तो इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस के रूल्स और एग्जांपल्स देखेंगे। इस के रूल्स क्या हैं, कि ये इसका पहचानने का जो तरीका है वो रहा था, रही थी या रहे थे, पास्ट में कोई चीज़ चल रहा था, इस तरह से शो होगा। इसके रूल्स हैं कि आई और आई के साथ वॉज लगाते हैं, और वी यू दे के साथ वर लगाते हैं जिसे वेयर बोलते हैं, और ही शी इट और नेम के साथ वॉज लगाते हैं। जैसा कि मैंने सभी वीडियो में बताया आपको कि नेम में माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट कोई भी आ सकता है, ह्यूमन बीइंग, एनिमल। तो एग्जांपल्स देखते हैं पॉजिटिव के रूल्स के साथ। सब्जेक्ट लगाएंगे और वाज या वेयर देखेंगे कौन सा प्रोनाउन है या फिर कौन सा नेम है, उसके अकॉर्डिंग वाज वर लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो पहला एग्जांपल है द पायलट वाज फ्लाइंग एन एरोप्लेन। पायलट हवाई जहाज उड़ा रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस है, कोई काम पास्ट में हो रहा था। तो पायलट एक सिंगुलर नेम है इसलिए वाज लगाया। द बिग बॉय वॉज बीटिंग स्मॉल वंस। बड़ा लड़का छोटे बच्चों को पीट रहा था। स्मॉल वंस का मतलब छोटे लोग, छोटे बच्चे, वंस का यूज़ है ये। वी वर अरेंजिंग अ ब्यूटिफुल सेमिनार फॉर द गेस्ट्स। हम लोगों ने मेहमान सुंदर सेमिनार की व्यवस्था किया था, यानी कर रहे थे, इस तरह से होगा। द डॉग वॉज बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स। कुत्ते अजनबियों पर भौंक रहे थे या भौंक रहा था, क्योंकि सिंगल है डॉग। अगर डॉग्स होता तो फिर भौंक रहे थे, इस तरह से होता। हंटर्स यानी शिकारी ढेर सारे वर हंटिंग, शिकार कर रहे थे, इन द डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल में। नेगेटिव के रूल्स होंगे, आपको नॉट लगाना है अगर नेसेसरी हो तो, अदरवाइज सेम रूल वही। आईपल्स ही वॉज नॉट ट्राइंग टू डू द जॉब इन न्यूयॉर्क। वह न्यूयॉर्क में जॉब करने की नहीं कोशिश कर रहा था। हर फादर वॉज गिविंग हर अ न्यू जैपनीज डॉल। उसके पिता उसको डॉल दे रहे थे। द कुक वॉज प्रोवाइडिंग बेस्ट फैसिलिटीज़ फॉर द पीपल। जो कुक था, जो खाना बनाते हैं, वो बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे, यानी दे रहे थे लोगों को होटल में। बेस्ट फैसिलिटीज़ यानी रहने खाने पीने की व्यवस्था अच्छे से। द कूली वॉज पुटिंग द लगेज अप ऑन हिज शोल्डर्स। कूली जो था वो अपने कंधों पर लेज यानी सामान को ढो रहा था। पुट अप माने होता है ढोना। तो पुट और अप ए फ्रेजल वर्ब है, इसके बीच में मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया है। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखेंगे। अगर सही होगा तो नॉट लगा सकते हो आप। प्लेस कहाँ रहेगा सब्जेक्ट के जस्ट बाद। एग्जाम्पल्स हैं और इसमें क्वेश्चन वर्ड भी होंगे और वाज और वेयर से भी क्वेश्चन होंगे। जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताया है कि क्वेश्चन वर्ड अगर डब्ल्यू एच वाले, वाई, वेयर, वॉट, तो इसके आंसर एस और नो में नहीं होते हैं। बट अगर वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाएंगे तो एस और नो में क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हूँ। वर यू प्लेइंग इन एन इंटरनेशनल टीम बिफोर। क्या तुम पहले इंटरनेशनल टीम में खेल रहे थे, इससे पूछा जा रहा है। दूसरा, वॉज ही लर्निंग अ हाई लेवल लैंग्वेज इन कंप्यूटर। क्या वह कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज सीख रहा है, सॉरी सीख रहा था, पास्ट में है। तो हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन जैसे। वेयर वॉज ही ट्राइंग ए न्यू हाउस टू लिव इन। वो कहाँ एक नया घर रहने के लिए कोशिश कर रहा था, खोज रहा था, यानी कि एक नए घर में रहने की रहा था, कहाँ पे। वाई वेयर यू मेकिंग अदर्स फुल। तुम क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, मूर्ख बना रहे थे। वॉज ही नॉट काउंटिंग नंबर्स बैकवर्ड। क्या वो उल्टी गिनती नहीं गिन रहा था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। आप इस तरह के सेंटेंस को बना सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियोस में पास्ट कंटिन्यूअस को लेकर, उसके रूल्स देखते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, देखते रहिए मेरे वीडियोस और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए।